नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उसके पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पर दिल्ली में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली पहुंच गई है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी शामिल है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन करते हुए लोग नहीं नजर आए हैं इस यात्रा में। साथ ही बता दें कि यात्रा रोकने की साजिश हो रही है, ये साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना है। और साथ ही ये भी कहना है कि हम प्यार बांट रहे हैं, बीजेपी नफरत बांट रही है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं, युवा वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। कोई भी युवा वहां पर मास्क लगाए हुए नहीं नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की जो है दिल्ली में एंट्री हो गई है, और इस दौरान तमाम वहां पर लोग मौजूद हैं। साथ ही बता दें कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद है, साथ ही सोनिया गांधी भी मौजूद है। और इस भारत जोड़ो यात्रा में तमाम वहां के बड़े नेता और साथ ही तमाम लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही बता दें कि आज दिल्ली पहुंची है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। आपने तस्वीरों में अभी देखा किस तरीके से वहां युवा मौजूद है, लेकिन वहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना किसी ने मास्क का प्रयोग किया है। साथ ही उनका यह भी साफ तौर पर, राहुल गांधी का यह भी बीजेपी पर आरोप है कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है इसको रोकने की लगातार बीजेपी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। और यह तस्वीर दिल्ली की भारत जोड़ो यात्रा की, बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में एंट्री हो गई है। और इस दौरान बता दें कि इस यात्रा ने 107 दिन में करीब 3000 किमी सफर पूरा किया है। आज 108वें दिन ये यात्रा दिल्ली पहुंची है। यात्रा में राहुल गांधी के साथ जन सैलाब देखने को मिला है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, और साथ ही बता दें कि सोनिया गांधी भी मौजूद है। और साथ ही बता दें कि 10:30 बजे ये आश्रम चौक पहुंची है यात्रा, और शाम 4:30 बजे लाल किले पर ये जाएगी यात्रा, जहां पर राहुल गांधी जो है संबोधित करते हुए आपको नजर आएंगे। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं, वहां पर युवा पहुंचे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। और बता दें कि इस भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेता के शामिल होंगे। साथ ही बता दें कि यहां पर राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और साथ ही सोनिया गांधी भी मौजूद है। लाल किले में इस यात्रा का समापन होगा। और साथ ही बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो है आज राजधानी दिल्ली में पहुंची है, जहां की आप तस्वीर अभी देख रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं, जहां पर बता दें कि सिक्किम में कल बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। सेना के 16 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। सेना के अधिकारी ने मुताबिक घटना आपको बता दें कि उत्तरी सिक्किम में हुई है। वही दुर्घटना वाहन 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था, जो बता दें कि सुबह थंगू की ओर बढ़ा था। और साथ ही बता दें कि PRO डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र राव के मुताबिक जेमा के रास्ते में वाहन के तीखे मोड़ के आने के वजह से खड़ी ढलान से ये जो फिसल गई, और साथ ही ढलान से फिसलने के बाद यहां पर 4 जो सैनिक है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनको हवाई मार्ग से वहां निकाला गया है। बता दें कि इस दौरान 3 जूनियर कमीशन अधिकारी भी है, और साथ ही 13 सैनिकों की दुर्घटना में चोट भी लगी है, जिसके कारण उन्होंने दम तोड़ दिया है। सिक्किम में सड़क हादसे में घायल 4 जवानों को एयरलिफ्ट करके पहले सिलीगुड़ी स्थित बागडोगरा लाया गया, उसके बाद उन्हें बता दें कि बैंगडूबी स्थित सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इन 4 जवानों का इलाज लगातार जारी है।
दिल्ली नगर निगम में मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने नाम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय का नाम तय किया है। वहीं डिप्टी मेयर के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर आमिल मालिक और साथ ही रविंद्र कौर, बता दें कि साथ ही मोहिनी जैनवाल और साथ ही सारिका चौधरी होंगे। आपको बता दें कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 3 महीने के लिए हुआ है और साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद को लेकर पार्टी की PAC ने बैठक भी हुई है। इस दौरान बैठक में मेयर पद के नाम पर मुहर लगाई गई है। दिल्ली नगर निगम में मेयर के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख 27 दिसंबर बताई जा रही है। बता दें कि दिल्ली में मेयर के नाम का लगातार ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है और इस दौरान 27 दिसंबर जो है इसकी आखिरी तारीख बताई जा रही है नामांकन की। साथ ही बता दें कि 6 जनवरी को मतदान होगा इसके लिए। और साथ ही बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से MCD का चुनाव हुआ था उसके बाद से अब आम आदमी पार्टी ने मेयर का ऐलान किया है और मेयर के नाम के ऐलान के साथ ये भी बताया है जो 27 दिसंबर जो है ये नामांकन की आखिरी तारीख बताई जा रही है। बता दें कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के तरफ से जो नाम शामिल किए गए हैं वो आपको बता देते हैं। जो इस दौरान आम आदमी पार्टी के तरफ से शैली ओबेरॉय का नाम तय किया गया है। साथ ही बता दें कि इस दौरान दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने नाम का ऐलान किया है और शैली ओबेरॉय वो नाम है। वही डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल का नाम शामिल किया गया है। वही आलम बता दें कि स्टेडियम कमेटी के मेंबर आमिर मलिक और रविंद्र कौर, मोहिनी जैनवाल और साथ ही सारिका चौधरी भी होंगे। आपको बता दें कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 3 महीने के लिए यहां पर हुआ है और साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद के लिए पार्टी के PAC में बैठक भी हुई। इस बैठक में मेयर पद के नाम पर उन्होंने मुहर लगाई है। साथ ही दिल्ली नगर निगम में मेयर के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। साथ ही बता दें कि 27 दिसंबर जो है इसकी आखिरी तारीख, नामांकन की आखिरी तारीख बताई जा रही है। दुनिया में पहली नजल कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वैक्सीनेशन वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से साथ मिलकर बनाया है। वही बता दें कि नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। सबसे पहले नेजल वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को पैसे देने होंगे और इसमें एक खास बात यह है कि शरीर में जाते ही ये कोरोना के इन्फेक्शन और साथ ही ट्रांसमिशन दोनों को ब्लॉक करती है। इसके वैक्सीन में इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साथ ही इसलिए इससे चोट लगने का भी खतरा नहीं है। साथ ही बता दें कि हेल्थ केयर वर्कर्स को भी खास ट्रेनिंग देने की इसको जरूरत नहीं है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का खतरा पहले बढ़ रहा था उस तरीके से अब कोरोना को लेकर एक बार फिर सरकार सतर्क नजर आ रही है और इसको लेकर बता दें कि नेजल जो कोरोना वैक्सीन है उसको भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। साथ ही बता दें कि इसको लेकर आपको बता दें कि बूस्टर डोज इसको माना जा रहा है और सबसे पहले नेजल वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा जिसको आपको पैसे देकर लगाने होंगे। और साथ ही खास बात ये होगी कि शरीर में जाते ही कोरोना के इन्फेक्शन और साथ ही ट्रांसमिशन दोनों को ये ब्लॉक करती हुई नज़र आएगी। साथ ही बता दें कि इस वैक्सीन में इंजेक्शन
इंजेक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और साथ ही इसको लेकर हेल्थ केयर वर्कर को भी खास ट्रेनिंग देने की इस वैक्सीन को लेकर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में ये वैक्सीन पहले उपलब्ध कराया जाएगा, उसके बाद ही ये सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगा। और साथ ही खास बात ये है कि ये वैक्सीन जो है बूस्टर डोज के तौर पर आपके शरीर में काम करेगी। और साथ ही बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसके बाद से तमाम बैठकें भी इसको लेकर की गई। और कल ही बता दें कि इस दौरान तमाम राज्यों के बैठक करते हुए ये फैसला लिया गया जो ये नेजल कोरोना वैक्सीन है इसको मंजूरी दे दी जाए। और सरकार ने जिस तरीके से इसको मंजूरी दी है, इसको लेकर बता दें कि हैदराबाद के भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। और साथ ही बता दें कि इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा और इसको लेकर किसी भी अलग से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। खास बात यही है इस वैक्सीन को लेकर, जो इसको लेकर किसी भी तरीके से हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपारा जिले से सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के दो आतंकवादियों को बांदीपोर से समय से पकड़ लिया जब वे श्रीनगर की ओर जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों के पहचान दक्षिण कश्मीर के बताया गया कि अनंतनाग जिले के रहने वाले इमाद अमीद चौपन उर्फ चिंता भाई और साथ ही ताहिर अहमद भट उर्फ टाइगर के रूप में की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि उसके पास से चीन निर्मित एक पिस्तौल और साथ ही मैगजीन और साथ ही कुछ कारतूस और चीनी ग्रेनेड और बता दें कि इस दौरान डोटनेटर जब्त की गई है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों को अपने आकाओं से दक्षिण कश्मीरी में द रेजिस्टेंस फ्रंट के बता दें कि मायूल को पुनर्जीवित करने के लिए हथियार और साथ ही गोला बारूद हासिल करने का काम सौंपा गया था। सुरक्षा बलों ने इससे पहले गुरुवार को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। जम्मू और कश्मीर के कालपोर इलाके में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सैन्य खुफिया और अन्य खुफिया एजेंसियों ने जिला पुलिस कुपवाड़ा और साथ ही सेना को जानकारी मिली थी कि एनएम संगठन ने आतंकी मॉड्यूल कोलपोरा इलाके में सक्रिय है, जो न केवल आतंकवादियों को सुरक्षा आश्रम प्रदान करने में मदद कर रहा है बल्कि रसद भी प्रदान कर रहा है। इसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने सेना की संयुक्त टीम में 3 आतंकवादी के सहयोग को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में गलन वाली सर्दी पड़ गई है। वहीं राजधानी में दिल्ली के कोहरे से गुम हो गई है। साथ ही बता दें कि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों में घने कोहरे और साथ ही इस दौरान होने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज यानी 24 दिसंबर को मध्य में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज की गई है। वहीं आईएमबी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 25 और 26 दिसंबर को शीतलहर चल सकती है। इन दोनों दिनों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज की गई है। वहीं लखनऊ में आज घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो यहां पर 48 घंटे में से बहुत ज्यादा घना कोहरा रहने के आसार हैं। बता दें कि पंजाब यूपी समेत तमाम राज्यों में घना कोहरा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही बता दें कि दिल्ली में भी ठंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के गोरखपुर में लोग अलाव का सहारा लेते को मजबूर है। साथ ही बता दें कि जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और इस दौरान तमाम जगहों पर जो है बता दें कि इस दौरान
राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान जो है 11 डिग्री और साथ ही अधिकतम तापमान जो है 25 डिग्री दर्ज की गई है। वहीं बता दें कि इस दौरान जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं 25 और 26 दिसंबर को शीतलहर चलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही बता दें कि इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। बता दें कि लगातार ठंड का सितम बढ़ रहा है और इस दौरान दिल्ली सहित तमाम राज्यों में लोग अलाव के सहारा लेने को मजबूर बताए जा रहे हैं और साथ ही घना कोहरा है जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप ध्यान से चले, सुबह जिस तरीके से कोहरा होता है दिल्ली में, आप सतर्कता बरते और जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, सुरक्षा सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है। अब खबर मथुरा से है जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई जिसमें बदमाश के पैर पर गोली लग गई, जिसमें 3 बदमाशों ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से तमंचा और चाकू अन्य सामान बरामद किए गए हैं। वही शातिर अपराधी रात्रि में लिफ्ट लेने के बहाने से यात्रियों से लूटपाट करते थे। बदमाश गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कि आज रात को राया पुलिस को सूचना मिली थी कि दिनांक 18 दिसंबर को जो अपराधी कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में बैठा करके आगे ले जा करके लूट लेते थे, वो फिर आए हैं तथा अपना नया शिकार तलाश रहे हैं। इस सूचना पर राया पुलिस के द्वारा उनकी घेराबंदी की गई तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई, इसमें 2 लोगों को गोली लगी है जिनके की नाम रियाजुद्दीन और इमरान हैं। ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनका एक अन्य साथी अमन भी पकड़ा गया है, वो भी गाजियाबाद का रहने वाला है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त हुंडई आई टेन गाड़ी, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 चाकू तथा पिछली लूट में जो ATM गया था और 9000 रुपये बरामद हुए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कोई नहीं जो सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये कहावत आज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उस वक्त देखने को मिली जब एक दर्जन से अधिक महिला और पुरुषों ने उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के अपर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आप भोले भाले लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर गांव गांव ठगी करने वाले, आपको बता दें कि तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ यहां पर दर्जन से अधिक पीड़ित महिला और साथ ही पुरुष ने ठगी करने वाले, और साथ ही बता दें कि कथित पत्रकार के खिलाफ अलग अलग तहरीर देकर मामला दर्ज कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। फिलहाल ASP ने पीड़ित के मामले को संज्ञान में लेकर सीढ़पुरा थाना पुलिस को जांच कर अभियोग दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। रंजित ने रुपया लाए राशन कार्ड बनवाने के लिए। कितने रुपया लाए? 7000। और पेंशन बनवाने के लिए लाए 9000 रुपया रंजित ने। और लाए जो हमारे लड़का खत्म हो गया, जो भाई बोलते हैं कि तुम्हारा वो बनवा देंगे, जो पैसा मिलता है जो कितना 9000 रुपया। मेरा महेश नाम है। महेश, आज जो ASP ऑफिस आए हैं आप, क्या मामला है? मामला ये है कि जो रंजीत कुमार है ग्राम तैयपुर का, सनव राम प्रसाद ग्राम तैयपुर, तो ये पहले हमसे 10000 रुपये ले गया, फिर दे गया था, फिर ले गया, फिर दे गया। अब इसने मेरे 1,80,000 रुपये मैंने एक बार बैंक से निकाल के दिए थे, 3,00,000 रुपये मांगे थे, 50,000 मैंने घर से दिए थे हमारी मैडम ने, तो 5-6-7 महीने के लिए। फिर ये आया, वो मैंने मांगा पैसा तो ये बोला कि नहीं मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, तो हमने 1 साल रुक के फिर मांगे। अब ये कि ड्यूटी करवे जाओगे, अकेले ही जाओगे, वैसे जाओगे नहीं तो तुम्हें हम नौकरी करना भुला देंगे अच्छी तरह, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए तुम। तो फिर मैंने जब फिर साहब की शरण ली है, कप्तान साहब की, कि अगर साहब हैं मदद
हो सके तो कर दें। क्यों दिखा रहे हो भाई, जो मैं जो पूजा तू कह रहा हूं उनको क्या दिखा रहे हो भाई? रे ऑफिस इसीलिए खुली हुई है क्योंकि दिया था कहता हम फिर दे जाऊंगा, तो हम इस वजह से विश्वास कर लिया था आप भी। आज पहले शुरू करते हैं। क्यों दिखा रहे हो भाई, जो मैं जो पूजा तू कह रहा हूं उनको क्या दिखा रहे हो भाई? रे लगाते हुए नजर आए हैं। बता दें कि केपीएस पब्लिक स्कूल हरिहरपुर रेखवाड़ी में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर बता दें कि दिनेश चंद्र ने कहा है कि शिक्षा के मार्ग पर चल रहकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि डीएम ने अभिभावकों को सुझाव दिए हैं और साथ ही बच्चों को कुछ बनने की चिंता के बजाय उनकी संस्कारशील परिवर्श और साथ ही शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही है। स्कूल में दाखिल के साथ ही बच्चों पर कुछ बनाने का दबाव ना डालें, बल्कि इंटरमीडिएट तक उन्हें बिना किसी दबाव के शिक्षा ग्रहण करने दें, उसके बाद ही उनके रुचि के अनुसार उनके करियर का चुनाव आप करें। वही डीएम डॉक्टर चंद्र ने किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में बड़े और नामी शिक्षक संस्थाओं के मुकाबले प्राइमरी स्कूल में पढ़कर देश और दुनिया के नाम रोशन करने वाले एक लंबी फहरिस्त होती है, जबकि बड़े संस्था से पढ़कर आगे बढ़ने वाले का नाम उंगलियों पर ही गिनने की बात, ये बात डीएम ने कही है। झांसी में सर्दी का सितम जोरों पर है, ऐसे में रोडवेज बस अड्डा हो या झांसी के रेलवे स्टेशन, दोनों ही जगह यात्री अपने गंतव्य तक जाने के लिए ट्रेन बसों का इंतजार करने के लिए मजबूर है। इस कड़ाके की ठंड में सर्दी में झांसी के रेलवे स्टेशन के बाहर बने यात्री शेल्ट में ट्रेनों में इंतजार करने वाले यात्रियों के साथ साथ शेड के रात गुजारने के लिए बेसहारा गरीब वर्ग के लोगों को ठंड से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन में सतर्क के साथ साथ स्थानीय जिला प्रशासन के साथ ही अलाव जलाने और गर्म कपड़े कंबल बांटने की कवायद शुरू की गई है या नहीं की गई है, इसका रियलिटी चेक करने के लिए 23 दिसंबर को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के ग्राउंड जीरो से यानी रेलवे स्टेशन के बाहर बने यात्री शेड पर पहुंचा और वहां पर ना तो अलाव जलता हुआ दिखाई दिया और हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई कि इस जानलेवा सर्द में भी भरी रात में बेसहारा लोग अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री कहीं प्लास्टिक के सहारे सोते हुए नजर आए तो कहीं बोरे के सहारे सोते हुए नजर आए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के रियलिटी चेक में यात्री बता दें कि शेड में मौजूद यात्री और साथ ही बेसहारा लोग का साफ तौर पर कहना है कि ना तो यहां पर कंबल दी गई और ना यहां पर कोई अलाव की व्यवस्था की गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।